नमस्कार दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म ने पूरे देश में क्या हंगामा मचाया। इस फिल्म के घटिया डायलॉग्स, खराब वीएफएक्स और कॉपीड सीन्स के चलते इसे जमकर क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जब तक लोगों ने रियलाइज किया थोड़ा लेट हो चुका था। फिल्म ने पहले 3 दिन में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे ऑलमोस्ट। वो अलग बात है कि फिल्म इसके बाद पूरी तरीके से क्रैश कर गई। आज करीब 20 दिन बाद इस फिल्म के रिलीज होने के, ये 290 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। थिएटर से ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर सोचने वाला बनता है अब जब चीजें इतनी ठंडी पड़ चुकी है। आखिर क्या कारण था इस फिल्म को बनाने के पीछे? फिल्म के डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, एक्टर्स, किसी ने इस फिल्म को देखकर सोचा नहीं कि ये क्या बनाने जा रहे हैं? इस चीज को थोड़ा गहराई से सीरियसली सोचोगे तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ शॉकिंग चीजें पता लगेंगी। आदि पुरुष सिर्फ एक उदाहरण थी फिल्म इंडस्ट्री में हाल ही में देखे जा रहे एक नए ट्रेंड का। आदि पुरुष has been banned across Nepal. आदि पुरुष के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला को अब कोर्ट में पेश होना होगा। रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। हम रामायण से प्रेरित हैं। नेगेटिव रिव्यूज के चलते फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर डाउनफॉल शुरू हुआ। अब दोस्तों, अगर सुनने में आता है कि रामायण जैसी एपिक पर एक 700 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई जा रही है तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान रखा जाएगा। आखिर इतना सारा पैसा है ये, जहाँ 700 करोड़ रुपए खर्च करने का मतलब है कि ये देश के इतिहास में सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है, तो कहीं ना कहीं तो इस पैसे को अच्छे से खर्च किया जाएगा और छोटी से छोटी डिटेल पर यहाँ ध्यान दिया जाएगा। लेकिन छोटी डिटेल्स को तो छोड़िए, यहाँ पर कहानी में बेसिक चीजों को ही उलट पुलट कर दिया गया। वाल्मीकि रामायण में जटायु एक वल्चर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक ईगल बना दिया गया। फिल्म बनाने वाले कहते हैं कि हमारी क्रिएटिव लिबर्टी थी। जटायु वध की इस पेंटिंग को देखिए जिसे बनाया है एमिनेंट पेंटर रवि वर्मा ने। इसे एक पेंटिंग में आपको ज्यादा इमोशन मिल जाएगा आदि पुरुष के इस पूरे सीन से। अच्छा, रावण की लंका के बारे में हम सब जानते हैं कि वो गोल्डन होती है वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लंका को ऐसा काला काला बना दिया लगता हो कि कोयले से बनी हो लंका। रावण एक्चुअली में एक पुष्पक विमान में सफर करता है, जैसे कि हमने ये 1992 वाली एनिमेटेड रामायण में भी देखा है। ये जापानीज लोगों ने बनाई थी, लेकिन क्या कमाल की रामायण थी। और आदि पुरुष में रावण एक्चुअली में एक चमगादड़ पर बैठ के उड़ रहा है। वैसे ये चमगादड़ ही है या कोई ड्रैगन है, समझ में नहीं आता देखकर। अच्छा, वानर सेना के बारे में हम सब ने सुना है। कुछ रामायण के वर्जन्स में यहाँ पर बंदरों को दिखाया जाता है वानर सेना में, लेकिन आदि पुरुष ने तो एक गोरिला को ही डाल दिया वानर सेना में। बताओ, एक गोरिला कहाँ से आ खड़ा हुआ? गोरिलाज एक्चुअली में इंडिया में नेटिव भी नहीं होते, वो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक मार्मिक वर्णन है कि कैसे रावण सीता का अपहरण करता है, लेकिन आदि पुरुष में सीता बेहोश हो जाती हैं और हवा में उड़ने लग जाती हैं, जैसे कि कोई यहाँ पर इवल डेड टाइप की हॉरर फिल्म चल रही हो। अच्छा, वैसे हॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए यहाँ पर तो कुछ बड़ी अजीबोगरीब सिमिलैरिटीज दिखती हैं, जैसे कि रावण की लंका थॉर की आसगार्ड से कुछ ज्यादा ही सिमिलर दिखती है। और ये वाला बैकग्राउंड देखकर ऐसा लगता है कि टेंपल रन गेम से बैकग्राउंड लिया गया। और ये जो उड़ते हुए राक्षस हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो हैरी पॉटर के डिमेंटर्स उड़ रहे हो। क्या यहाँ पर सही में क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था या कॉपीड लिबर्टी थी? ये तो छोड़िए, आदि पुरुष में रामायण की कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी गलत तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि जब भगवान राम मदद करते हैं सुग्रीव और उनके भाई बाली के बीच में 2 फाइट्स होती हैं, क्योंकि पहली बार में श्री राम सुग्रीव और बाली के बीच में फर्क नहीं बता पाते क्योंकि वो आइडेंटिकल लुकिंग ब्रदर्स होते हैं, लेकिन फिल्म में सिर्फ एक ही फाइट दिखाई गई है। एक और ऐसी बड़ी गलती होती है जब श्रीराम और लक्ष्मण वापस अपनी हट में लौटते हैं और उन्हें पता लगता है कि सीता तो वहां पर है ही नहीं। फिर यहाँ राम विलाप का करुण दृश्य आता है, वो सीता की खोज में निकलते हैं और तब उन्हें जटायु मिलते हैं। जटायु बताते हैं कि एक्चुअली में रावण ने सीता का अपहरण किया है, लेकिन इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि राम और लक्ष्मण दोनों रावण को देख रहे हैं सीता को ले जाते हुए। ऐसी गलतियां देखकर पता लगता है कि यहाँ पर कोई क्रिएटिव लिबर्टी की बात नहीं हो रही, बेसिकली इस फिल्म को बनाने वाले लोग आलसी थे, वो काम को जैसे तैसे करके जल्दी से खत्म करना चाहते थे बिना ज्यादा डिटेल्स में जाए। रामायण और रामचरितमानस सिर्फ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं है बल्कि लिटरेरी एक्सीलेंस के भी बड़े अच्छे उदाहरण है। जिस तरीके से रिदमिक पोएट्री में उन्हें लिखा गया है, इसी रीजन से हम उन्हें महाकाव्य करके बुलाते हैं। लेकिन आदि पुरुष में ये लिटरेरी एलिमेंट क्या है? तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ टहलने चला आया, या फिर वो जला दी वाले जैसे डायलॉग्स, ये रामायण में कहाँ फिट बैठते हैं? फिल्म को बनाने वाले कहते हैं कि आज की जनरेशन को देखकर ये फिल्म इस तरीके से बना
बनाई गई थी, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो इसी तरीके से बात करती है। अगर ऐसा था तो पूरी की पूरी कहानी को ही आज के समय में क्यों नहीं बेस कर दिया गया, फिर कैरेक्टर्स भी आज के जमाने के ही यूज किए जा सकते। असल में बात यह है कि ये सब बहाने हैं फिल्म को बेचने के लिए। रिलीज से पहले मनोज मुंतशिर ने कहा था कि ये फिल्म टोटली रामायण पे बेस है, उन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है इसके साथ। उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या, हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब यह है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और अब ये कहते हैं कि ये फिल्म सिर्फ रामायण से इंस्पायर्ड है, ये सिर्फ एक रीटेलिंग है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। लेकिन क्या भगवान राम को राघव बुलाने से ये फिल्म एक रीटेलिंग बन जाती है? कुछ अच्छे रीटेलिंग्स के एग्जांपल हैं दोस्तों, विशाल भारद्वाज की मकबूल फिल्म जो कि मैकबेथ की रीटेलिंग है, या फिर ओमकारा जो कि ओथेलो की रीटेलिंग है, या फिर राजनीति प्रकाश झा की फिल्म जो कि महाभारत की रीटेलिंग है। मॉडर्न पीरियड में सेट है, पॉलिटिकल राइवलरी दिखाई गई है दो पॉलिटिकल क्लैंस के बीच में, कई क्रिएटिव लिबर्टीज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन महाभारत की कहानी में जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज की बात करी गई है, ग्रीड, एनवी, हंगर फॉर पावर, इन्हीं सब की बात उसमें भी दिखाई गई है। इवन बाहुबली जो फिल्म थी उसे कहा जाता है कि वो महाभारत से लूजली इंस्पायर्ड रीटेलिंग थी। सच बात यह है कि इन्होंने पूरी फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन को जमकर कॉपी किया है, कहीं गेम ऑफ थ्रोन से, कहीं एक्वामैन से, कहीं किंग कॉन्ग, कहीं थॉर, कहीं राइज ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप्स। इनफैक्ट जो डायलॉग्स हैं वो भी यूट्यूब वीडियो से कॉपीड है। अमोघ लीला दास ने कहा था, ये कपड़ा रावण का, तेल रावण का, आग रावण की, घी किसका, रावण का, कपड़ा किसका, रावण का, आग किसकी, रावण की, जली किसकी। क्या अमोघ लीला दास इस फिल्म के को राइटर थे? नहीं थे, तो कॉपी करने की क्या जरूरत थी। आगे मनोज मुंतशिर कहते हैं कि उनकी नानी दादी इस तरीके से उन्हें रामायण सुनाती थी, लेकिन बात फिर भी वही है कि क्या उनकी नानी दादी इस फिल्म की को राइटर है। मनोज भाई जो राइटर होता है ना, उसे खुद से लिखना पड़ता है, ये नहीं कि कभी कथावाचक से कॉपी कर लिया, कभी रॉबर्ट लैवरी की पोयम कॉल मी को हिंदी में मुझे कॉल करना कर दिया। गीतकार शकील आजमी ने लिखा, मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा, शाख पर आबाद हो जाऊंगा। तो मनोज ने लिखा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। सच बात यह है कि ये पूरी की पूरी फिल्म रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाई गई थी। फिल्म बनाने वालों ने सोचा कि रामायण पर फिल्म बना रहे हैं, लोग तो देखने आ ही जाएंगे, बहुत मिलके पैसे कमाएंगे, तो कहाँ इन छोटी मोटी डिटेल्स में टाइम वेस्ट करना, जो हो रहा है होते जाने दो, लोग रामायण के नाम पर, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पर देखने आ ही जाएंगे। और इन्हीं सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए कभी कभार तो क्या नौटंकी करी इन लोगों ने, ये कहा कि देखो भाई, हर सिनेमा हॉल में एक सीट हनुमान जी के लिए खाली छोड़नी चाहिए। कोई लॉजिक बना इस बात का? Recently, the Adipurush team made an interesting announcement. One seat in every theater will be unsold during the Adipurush screening. But for whom? It will be dedicated to Lord Hanuman to celebrate the beliefs of people. फिर इन्होंने कहा कि जब भी मैं फिल्म को लिखने जाता था तो अपने जूते बाहर उतार के जाता था ऑफिस में। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। मतलब नाटक कितना ही करवा लो इन लोगों से, अपनी फिल्म को बेचने के लिए बार बार धर्म का इस्तेमाल किया, जो शॉर्टकट तरीके हो सकते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के वो सब इस्तेमाल किए, बस कभी टाइम नहीं लगाया वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस पढ़ने में। अगर ये लोग ये पढ़ने में टाइम लगा देते तो एक अच्छी फिल्म बन पाती, और ये फाइनली उसका लेसन भी सीख पाते कि रावण किस वजह से डूबा था, अपने अहंकार की वजह से डूबा था। रामायण का सबसे बड़ा लेसन है कि रावण की तरह अहंकारी मत बनो, राम की तरह हम्बल। मुंतशिर को सबसे ज्यादा ब्लेम किया गया क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड किया प्रमोट करते वक्त फिल्म को, लेकिन ब्लेम फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार टी सीरीज के, इन पर भी जाना चाहिए। आखिर ऐसा घटिया स्क्रीन प्ले कैसे अप्रूव हो पाया, क्यों अप्रूव हुआ ये? अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों एक ऐसे ट्रेंड की जो फिल्म इंडस्ट्री में हाल ही में काफी टाइम से देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड फॉर्मूला फिल्म्स बनाने का। ऐसी फिल्में जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए और जिनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो, बाकी फिल्मों में जो ओरिजिनैलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है और लेसन्स होते हैं वो सब जाए बाढ़ में। ये फॉर्मूला फिल्म्स कुछ रूल्स पर काम करती हैं। रूल नंबर 1, कभी भी कुछ भी नया ट्राई मत करो। जो नॉर्मली काम कर रहा है, जिससे पता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है, उसी चीज को करते रहो बार बार। रूल नंबर 2, एक्शन फिल्में। एक्शन फिल्मों का सबसे हाई सक्सेस रेट रहता है। अगर आप विकिपीडिया पर लिस्ट ऑफ 50 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जॉनर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। RRR, बाहुबली, KGF, पठान 2.0, टाइगर जिंदा है, धूम 3, विक्रम, वॉर, ब्रह्मास्त्र, चेन्नई एक्सप्रेस, साहो, किक, सिम्बा, क्रिश 3, बैंग बैंग, रईस, रेस 3, इतनी सारी एक्शन फिल्में।
लेकिन अगर आप हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स की लिस्ट देखोगे एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन तो एक काफी अलग पिक्चर सामने आती है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद कई पुरानी पिक्चरें भी लिस्ट में ऊपर आ जाती हैं, जिससे हमें दिखता है कि पहले जो पिक्चरें होती थी वो बहुत ज्यादा कमा लेती थी बिना एक्शन फिल्म हुए। इसमें रोमांटिक फिल्में हैं जैसे कि श्री 420, DDLJ, मुगले आजम, फैमिली ड्रामा है जैसे कि हम आपके हैं कौन, सोशल ड्रामा है मदर इंडिया, नया दौर, पेट्रियोटिक फिल्में हैं जैसे कि क्रांति। लेकिन इस इंस्टा रील्स और स्नैपचैट स्ट्रीक्स के जमाने में अब बात ये कही जाती है कि फिल्में देखने जाओ तो दिल और दिमाग को घर पर छोड़ के जाओ, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल फिल्में बनाना बंद करो, लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है और इसलिए एक्शन फिल्में ही बनाओ। इन सारी एक्शन फिल्मों में वही सेम कहानी होती है जिसमें एक हीरो होता है जो विलन से फाइट करता है, विलन को हरा देता है। कभी ये हीरो और विलन कोई दो राजा महाराजा होते हैं, कभी हीरो एक आर्मी का सोल्जर, विलन एक पाकिस्तानी सोल्जर होता है, कभी हीरो कोई रॉ एजेंट हो जाएगा, कभी विलन कोई आतंकवादी हो जाएगा, कभी हीरो पुलिसमैन, विलन माफिया का गैंगलॉर्ड हो जाएगा। हमेशा फाइट्स होंगी इनके बीच में, गोलियां, तलवारें, किक्स और पंचेस, लेकिन फाइट जरूर होनी चाहिए। रूल नंबर 3, अगर पॉसिबल हो तो फिल्मों का सीक्वल बनाओ, प्रीक्वल बनाओ या रीमेक बनाओ। अगर कोई फिल्म अच्छी चली है तो उसके सीक्वल्स तो अच्छे चलेंगे ही, लोगों को वो पसंद आई है तो लोग दोबारा से देखने आएंगे। अगर फिल्म किसी फ्रेंचाइज या फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है तो और भी अच्छी बात है। ये ट्रेंड तो हर जगह देखने को मिलता है, बॉलीवुड, टॉलीवुड हो या हॉलीवुड। एवेंजर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, KGF, क्रिश, गोलमाल, धमाल, सिंगम, फुकरे, भूल भुलैया, दृश्यम, जो फेमिलियर कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एक रिकॉल वैल्यू होती है तो ऑडियंस तो आ ही जाती है थिएटर में, चाहे वो सीक्वल वाली फिल्म कितनी ही घटिया क्यों ना हो। वेलकम 2007 की एक बढ़िया फिल्म थी अक्षय कुमार की। इस फिल्म के मीम्स आज तक सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, लेकिन पैसे छापने के लिए इस फिल्म का एक सीक्वल बनाया गया था, वेलकम बैक। आप में से कितने लोग जानते हैं उस सीक्वल के बारे में। सिमिलरली धमाल की भी यही बात है, धमाल फिल्म के 2 सीक्वल्स बने थे, गोलमाल के सीक्वल्स बनते ही जा रहे हैं। पहली फिल्म ने पैसा कमाया तो सीक्वल्स तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि पैसा कमाएंगे ही। बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो रेजिस्ट कर पाते हैं अपने आप को इन चीजों से, जैसे कि अनुराग कश्यप। उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का 3rd पार्ट बनाएंगे, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के 2 पार्ट इसलिए बने थे क्योंकि कहानी ही इतनी लंबी थी, शुरू से ही उन्हें साथ में बनाया गया था। अनुराग कश्यप ने कहा था कि वो नई फिल्में बनाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ मिल्किंग द सक्सेस ऑफ दैट मूवी। गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 कब आएगी? नहीं आएगी। कोई वासेपुर यूनिवर्स नहीं बनाना। मैं बोला ना, लोग बिजनेसमैन अलग सोचते हैं, हर चीज का एक यूनिवर्स बन रहा है ना आजकल। मुझे कुछ नहीं बनाना है, मुझे अपनी फिल्म बनानी है, बहुत सारी अलग अलग फिल्में बनानी है। रूल नंबर 4, अगर कोई सुपर हिट फिल्म गई है तो उसका रीमेक बना डालो। तमिल फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह, एक तेलुगु फिल्म मर्यादा रमन्ना का रीमेक सन ऑफ सरदार, मराठी फिल्म सैरथ बड़ी अच्छी चल गई तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उसका रीमेक बना दिया धड़क, ओरिजिनल मलयालम फिल्म दृश्यम बहुत अच्छी चल गई तो हिंदी में रीमेक कर दिया गया, मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग हिंदी में हेरा फेरी बन गई, देवदास जैसी फिल्म को 16 बार रीमेक किया जा चुका है। रूल नंबर 5, हो सके तो पुराने गानों को भी रीमेक कर दो और उन्हें भी फिल्मों में डाल दो, लोगों के अंदर फिर से वो रिकॉल वैल्यू होती है, लोग देखेंगे ही देखेंगे नए गाना, फिर सारे FM चैनल्स, DJ फ्लोर्स और इंस्टा रील्स पर उन्हें चलवा दो। रूल नंबर 6, हो सके तो सुपरस्टार्स को अपने लीड रोल्स मिलो। हालांकि सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर दुनिया भर में देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में ये एक नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच जाता है। लोगों को हमेशा लगता है कि भाई हमारा फेवरेट एक्टर है, इसकी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म देखनी चाहिए। लोगों को ये लेबल्स बड़े पसंद आते हैं कि मैं तो इसका डाई हार्ड फैन हूँ, जबरा फैन हूँ। अगर आप 50 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स की लिस्ट देखोगे तो इसमें सिर्फ 4 फिल्में हैं जिनमें कोई सुपरस्टार नहीं है, हिंदी मीडियम कश्मीर फाइल्स, उरी और कंटारा। रूल नंबर 7, हो सके तो साइड रोल्स में भी जाने पहचाने चेहरों की कास्टिंग करो। रन फिल्म की इस क्लिप को देखिए। दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है, अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। क्या आप पंकज त्रिपाठी को पहचानते हैं? यहाँ पर साल 2003 में एक बड़े छोटे रोल से इन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन अगले 6-7 साल तक ये स्ट्रगल करते रहे थे, नए रोल्स की भीख मांगते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आगे चलकर साल 2012 में था कि इन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में नोटिस किया गया और फिर इन्हें ऐसे ऑफर्स मिलने लगे कि जैसे कोई और कैरेक्टर आर्टिस्ट बचे ही ना, फिर पंकज त्रिपाठी हर जगह दिखने लगे। सेम चीज संजय मिश्रा के साथ है, साल 1995 में इन्होंने स्टार्ट आउट किया था, स्ट्रगल करते रहे कई सालों तक, लेकिन जब ये नोटिस में आए तो इन्होंने एक ही साल में 2015 में 16 फिल्में कर दी। ये जो ऑडिशंस का कॉन्सेप्ट है, ये कास्टिंग कॉल्स का कॉन्सेप्ट है, ये सब एक फ्रॉड है ज्यादातर बड़ी फिल्मों के लिए। प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को रिस्क फ्री रखने के लिए ना तो नए चेहरों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ना ही नई फिल्मों की कहानियों के साथ। रूल नंबर 8, फिल्म का जो सेट डिजाइन है और जो सीन्स हैं उन्हें भी नए क्रिएटिव ओरिजिनल तरीके से सोचने की क्या जरूरत,
हो सके तो उन्हें भी कॉपी कर डालो हॉलीवुड फिल्मों से। इसके तो कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान की नई फिल्म पठान आई थी अभी, उसमें रिपोर्ट किया गया कि कई सीन्स कॉपीड थे एवेंजर्स, फ्यूरियस 7, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन 2, डार्क नाइट, मिशन इम्पॉसिबल 3, नो टाइम टू डाई, अनचार्टेड 2 जैसी फिल्मों से। आदि पुरुष में ही देख लो, इसके जो पहले एग्जांपल्स मैंने आपको गिनाए थे। रूल नंबर 9, कभी भी जो गलत माइंडसेट हो लोगों का उसे क्वेश्चन मत करो, ना ही क्रिटिसाइज करो, बल्कि जनता को हमेशा अपीस करने की सोचो। अगर समाज हमारा मोटे मोटे तौर पर औरतों को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखता है तो वही चीजें आपको फिल्मों में दिखानी है, उन पर सवाल मत करो। ये हनी सिंह और बादशाह के चीप मिसोजिनिस्ट गाने हो या फिर फिल्मों के ये आइटम सॉन्ग्स हों, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, फेविकॉल से, अगर समाज में स्टॉकिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो उसे नॉर्मलाइज कर दो फिल्मों में, इवन रोमांटिसाइज कर दो। रांझना और तेरे नाम जैसी फिल्में, अगर इन चीजों को लेकर कभी आपसे सवाल किया जाए तो कह देना कि ये फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह देखो, एंटरटेनमेंट के फॉर्म की तरह देखो, फिल्मों से समाज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ऐसे तो यार फिल्मों में कितनी सारी चीजें दिखाई जाती है उल्टी सीधी, एंड इट इज जस्ट अ कैरेक्टर व्हिच वाज जस्ट trying to take a photograph of her, and yes, there is a little bit of you can say which is wrong to itself, but ab सारी सफाई तो मैं नहीं दिखा सकता ना। अब चाहे इसमें गैंगस्टर्स को ग्लैमराइज करना ही क्यों ना हो, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में दाऊद को ग्लैमराइज करना हुआ या रईस में अब्दुल लतीफ को। सोसाइटी को ज्यादा शीशा दिखाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होगा। कई ऐसी फिल्में हैं जो सोशल इश्यूज को रेज करती हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 हो, उड़ान हो या सीक्रेट सुपरस्टार हो, लेकिन इन फिल्मों में रिस्क बहुत ज्यादा है। और फाइनली रूल नंबर 10, सब कुछ लार्जर देन लाइफ बनाकर एक जबरदस्त मार्केटिंग करो, फिल्म की लहर चला दो, सारे अखबारों में आर्टिकल्स पब्लिश करवा दो, कपिल शर्मा शो पर जाओ, रेडियो शोज में जाओ, हर जगह दिखने लग जाओ। फिल्म के रिलीज होने के बाद हर जगह ये छापते रहो कि फिल्म ने कितना पैसा कमाया, बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी हिट हो रही है फिल्म। इतनी कॉन्वर्सेशन होगी इसके बारे में तो लोगों के अंदर एक फोमो आ जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोगों को भी लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इसकी बातचीत तो बहुत हो रही है, मैं भी जाकर देखूं जरा किस बारे में लोग इतना इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब तुम्बाड़ जैसी फिल्म को ले लो, इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 14 करोड़ कमाए, लेकिन एक भी ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसने इस फिल्म को देखा हो लेकिन उसे फिल्म पसंद ना आई। दूसरी तरफ साहो जैसी फिल्म का एग्जांपल ले लो, इसने 407 करोड़ रुपए कमाए लेकिन हार्डली कोई ऐसा था जिसे ये फिल्म पसंद आई, या फिर आदि पुरुष भी इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। फिल्म को लेकर इतनी हाइप क्रिएट की गई थी कि लोगों ने अपनी प्री बुकिंग करा दी थी, यही कारण है कि पहले 3 दिन में आदि पुरुष ने इतने पैसे कमाए, लेकिन 3 दिन बाद जब लोगों ने रियलाइज किया कि ये फिल्म इतनी घटिया है, देखने लायक नहीं है, तब जाकर इसका असर देखने को मिला बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन फिर भी 200-300 करोड़ तो आ ही गए थे हाथ में। ये सारे रूल सुनकर लग रहा होगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ बेकार फिल्में ही आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी अच्छी फिल्मों के एग्जांपल हैं, 3 इडियट्स, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, कंटारा, ये ऐसी फिल्में जिन्होंने भरपूर पैसे भी कमाए हैं, लेकिन बात यह है कि ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में लोग अब ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहते, इन फिल्मों में रिस्क बहुत है, इसलिए अपना जो फॉर्मूला है फिल्म्स बनाने का उसी पे ही लगे रहो, गारंटीड प्रॉफिट वहीं से ही आना है। आदि पुरुष को बनाने वालों ने इस फॉर्मूले को रूल बाय रूल फॉलो किया, हम रामायण पर फिल्म बनाएंगे जिसकी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रिकॉल वैल्यू है, लोग फॉर श्योर देखने आएंगे, हम फिल्म में बहुत सारा एक्शन डालेंगे, ढेर सारे सीन्स को हॉलीवुड फिल्मों से कॉपी करेंगे, प्रभास जैसे बड़े सुपरस्टार को अपनी फिल्म में लेंगे ताकि उसके भी फैंस देखने आए, सब कुछ तो यहाँ पर फॉलो किया, लेकिन गलती क्या हो गई, फॉर्मूला तो सब लगाया लेकिन फिर ये एक्स्ट्रा 2A भी क्यों नहीं आया, क्योंकि बात यह है दोस्तों फॉर्मूला लगाते हुए थोड़ी अकल भी लगानी होती है। ये लोग इतने आलसी थे इस फिल्म को बनाते वक्त कि इन्होंने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, मकसद सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा पैसे छापना था। जिन लोगों के ये रिलीजियस सेंटीमेंट्स एक्सप्लॉइट करने की सोच रहे थे वही रिलीजियस सेंटीमेंट्स इनके खिलाफ चले गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाने पर फोकस करना यहाँ गलत चीज है, प्रॉब्लम बस तब आ जाती है जब सिर्फ पैसा कमाना ही आपका असली मकसद हो। इवन तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन फिल्में हैं, लेकिन इन बेहतरीन फिल्मों की संख्या धीरे धीरे साल भर साल कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। एज एन ऑडियंस अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसी फिल्में देखने की जगह जो अच्छी फिल्में हैं उन्हें देखिए जाकर सिनेमाज में। तुम्बाड़, राजी, क्वीन, अगली, आर्टिकल 15, द लंच बॉक्स, इंग्लिश विंग्लिश, सैराट और कंटारा को एक्सेप्शंस मत बनाइए, ऐसी फिल्में हिट होना एक नॉर्म बनना चाहिए। आपकी क्या राय है यहाँ पर, अपनी फेवरेट फिल्म नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आया तो रामायण वाला वीडियो भी मेरा जरूर पसंद आएगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।